Hey guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing absolutely well. Now guys, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपने बाइक के हाइड्रोलिक ब्रेक को बर्प कर सकते हो. मतलब ऐसा कई बार होता है गाइस कि हमारे जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं वो अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं. काफ़ी स्क्विशी लीवर हो जाता है उसका, जिसके वजह से ब्रेकिंग उतनी स्ट्रांग नहीं मिलती है. इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम लोग आपको यही बोलेंगे कि आप अपने हाइड्रोलिक ब्रेक्स को पूरा ब्लीड कर लो. बट जनरली कई बार ऐसा होता है कि आपको पूरे हाइड्रोलिक ब्रेक को ब्लीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. छोटे से बर्प करने से ही आपका हाइड्रोलिक ब्रेक पहले की तरह काम करना शुरू कर देता है. आज के वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से अपने हाइड्रोलिक ब्रेक को बर्प कर सकते हो और उसको पहले की तरह स्ट्रॉन्ग पावरफुल बना सकते हो. ऑलराइट गाइस, फॉर द स्टेप वन, टेक अ 4 mm एलन की एंड वी नीड टू लूजन अप दीज टू बोल्ट्स ताकि हम अपने हाइड्रोलिक ब्रेक को बराबर लेवल में ला सकें. नाउ अब ये लेवल हो चुका है. स्टेप टू, वी नीड टू रिमूव दिस स्मॉल बोल्ट फ्रॉम आर ब्रेक लीवर सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर. द प्रोसेस इज सेम फॉर शिमानो हाइड्रोलिक ब्रेक्स. Use a hex key to remove this bolt. I will be providing buying links for all the tools required. Shimano के लिए कुछ इस तरीके का फनल आता है, जो फनल आप अपने Shimano ब्रेक्स में ऊपर से लगा देते हो स्क्रू करके. बट मेरे इसका जो स्क्रू है वो थोड़ा बड़ा है और ये थ्रेड इसमें फिट नहीं होगा. दैट इज द रीजन आई एम गोना यूज एन अटैचमेंट जो मेरे इसके लिए फिक्स है, और इस तरीके का एक पाइप यूज करूंगा जिसमें मैं के मिनरल ऑयल को फिल करके फिर मैं इसको फिल करूंगा. कैसे करना है अब दिखाता हूँ. कुछ इस तरीके से ये फिक्स हो जाएगा इसके अंदर. फिर हम इस ट्यूब में हाइड्रोलिक ऑयल को मैं फिल करूंगा. सो दिस इज माय हाइड्रोलिक ऑयल. ये मेरा मिनरल ऑयल है जो मैं इसके अंदर अभी पूरा डालूंगा, तो इसमें डाल देता हूँ. Once the oil is filled in funnel or in the tube, we will press the brake lever several times to remove air from our brake. Keep repeating this until there are no bubbles left. एक बार जब सारे बबल्स निकल जाए आप इसको अच्छे तरीके से एक बार टेस्ट कर लो सारे लीवर्स को दबा के. एंड नाउ यू कैन सी कोई एयर बबल और नहीं निकल रहा है. इसका मतलब है कि हमारा जो ये ब्रेक है ये अच्छे तरीके से पूरा बर्फ हो चुका है और सारा जो एयर इसके अंदर था वो निकल चुका है, जिससे हमारा ब्रेक अब देखो पहले से अच्छा परफॉर्म करेगा. नाउ टू बी श्योर आप एक बार अपने ब्रेक लाइन्स को भी कुछ इस तरीके से टैप कर दो ताकि अगर कुछ एयर बबल्स यहाँ पर होंगे तो वो भी निकल जाएंगे. टैप करके आप यहाँ पे ले आओ और एक बार और आप अपने लीवर को प्रेस करके यहाँ पे अच्छे से चेक कर लो. नाउ एक बार जब आपका ये ब्रेक पूरी तरीके से बर्प हो जाए तो आप इसको निकाल दो. इसको निकालने के बाद हम सेकंड वाले ब्रेक में भी इसको टेस्ट कर लेंगे कि उसमें भी कोई एयर है या नहीं. इसके बोल्ट को वापस इसके जगह पर लगा देंगे. हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऑयल इसमें से निकले लगाते वक्त, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप इसको वापस इसके जगह पर लगा दो. Use the Allen key और इसको वापस टाइट कर दो. There we go, ये पूरा टाइट हो चुका है. Now यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसको क्लीन कर लो. So we gonna be repeating the same on our second lever. Same चीज, use the Allen key, remove the bolt and repeat the same. So there you go, your brakes will perform better now.